मैं संगीता मिश्रा वेलके नेशनल स्कूल से हिंदी टीचर। और बच्चों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम हिंदी सोपान कक्षा 2 से पाठ्यक्रमांक 29 मोर पीकॉक पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, मोर के चित्र दिए गए हैं। यह मोरनी है और यह मोर है। तो यह मोर क्या कर रहा है बच्चों? नाच रहा है। यहाँ बादल हैं कुछ, वो काले काले हैं और बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे मोर बहुत खुश हो रहा है। जब बारिश होती है तो बारिश में मोर जो है नाचता है। तो यहाँ पे इसी विषय में बताया गया है, यह पाठ इसी विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से बारिश के मौसम में जब बादल काले होते हैं तो मोर खुश होके नाचता है। और मोरनी क्या कर रही है? यह मोर नाच रहा है और मोरनी क्या कर रही है? उसका नाच देख रही है। और मोर कहाँ नाच रहा है? देखिए यहाँ पे बगिया है, बगीचा है, बगीचे में मोर नाच रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बगीचे में यह कौन सा पक्षी है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बगीचे में यह कौन सा पक्षी है? यह मोर है। मोर बगीचे में नाच रहा है। इसके पंख बहुत सुंदर हैं। नाचते समय मोर अपने पंख फैलाए हुए हैं। मोर के पास मोरनी खड़ी है। मैंने बताया ना यहाँ पे, यहाँ कौन खड़ी है? मोरनी खड़ी है। मोरनी मोर का नाच देख रही है। मोर का नाच उसे बहुत अच्छा लगता है। बरसात की ऋतु है। आकाश में काले बादल छाए हैं। देखिए यहाँ पे काले काले बादल छाए हुए हैं ना। बादलों को देखकर मोर खुश होता है। मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। जब बादल काले होते हैं तो मोर बहुत खुश होता है कि अब तो बारिश होने वाली है, तो वह खुश होकर नाचता है। नाचता हुआ मोर कितना सुंदर लगता है। देखिए जब मोर पंख फैला के नाचता है तो वह कितना सुंदर लगता है, यह यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे चिन्ह के बारे में मैं आपको बता दूंगी बच्चों। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, बगीचे में यह कौन सा पक्षी है? तो यहाँ पे देखिए यह जो चिन्ह लगा है ना, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जब हम कोई प्रश्न करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। और यहाँ पे देखिए यह मोर है। यहाँ उत्तर भी मिल गया है और हमारा वाक्य जो है पूरा हो गया है। तो पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, जो कि अंग्रेजी में आप फुल स्टॉप कहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में इस तरह से एक पाई खींच के पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। यहाँ पे देख लेंगे, नाचता हुआ मोर कितना सुंदर लगता है। यहाँ पे खुशी, जब हम खुश होते हैं, खुशी प्रकट करते हैं, तो विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जब हमें खुशी होती है, दुख होता है, तो विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो यह क्या है, यहाँ देख लेंगे आप ध्यान से, यह विस्मय बोधक चिन्ह है। तो दो तीन चिन्हों के बारे में भी यहाँ पे हमने जाना बच्चों। अब यहाँ देख लेंगे, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर आपको देने हैं। यहाँ देखिए मैंने पहले से ही लिख रखा है, यदि आपने नहीं लिखा है तो आपको यह लिखना है। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यह कौन सा पक्षी है? यहाँ पे भी पूछा गया है ना, कौन सा पक्षी है? तो यह कौन है? यह मोर है। मोर क्या कर रहा है? मोर नाच रहा है। मोर कहाँ नाच रहा है? मोर बगीचे में नाच रहा है। यहाँ दिख रहा है ना, पेड़ पौधे हैं, तो यह क्या है? बगीचा है। तो मोर बगीचे में नाच रहा है। मोर का नाच कौन देख रहा है? तो मोर का नाच कौन देख रही है? मोरनी देख रही है। मोर का नाच मोरनी देख रही है। आकाश में क्या छाए हैं? आकाश में बादल छाए हैं। क्या छाए हैं आकाश में? बादल छाए हैं। मोर किस ऋतु में नाचता है? मोर वर्षा ऋतु, जो बारिश का मौसम होता है ना, उसमें नाचता है। तो यहाँ उत्तर आएगा, मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। तो इस प्रकार से बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ा और मोर मोरनी के बारे में जाना। तो इसी प्रकार से आपको यह पाठ पढ़ना है, समझना है, और जो प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर मैंने जैसे बताया, आपको लिखना है, याद करना है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।